हमने सारे गैस लॉस करे और इक्वेशन एक ड्राइव करी हमने पी वी इक्वल्स म्यू आर टी। एक्चुअल में ये सारे गैस लॉस का एक्सट्रैक्ट है, ये सारे गैस लॉस इसके अंदर अपने आप ही आ जाते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन है इसे बोलते हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन को फॉलो करती है केवल केवल आइडियल गैस। हाँ क्या चीज, ये इक्वेशन का डेरिवेशन। और इसके इससे पहले जो दो मैंने आपको कराए थे, एक तो वो जिसमें अटक रहा था मैं, कौन सा था वो, एवोगैड्रो, एवोगैड्रो है ना, जो आपको, एक तो एवोगैड्रो था और एक और था उसके बाद में लास्ट वाला क्या था वो, कौन सा मुझे याद नहीं आ रहा है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर था वो, हाँ डाल्टन्स लॉ। ये दोनों लॉ भी अगर आप किताबों में देखेंगे तो इन दोनों लॉस को भी जो है प्रेशर इक्वेशन 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर, इससे प्रूव नहीं किया हुआ बल्कि इस इक्वेशन से प्रूव किया हुआ है किताबों में, डाल्टन्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ इस यहाँ से प्रूव किया हुआ है, इससे प्रूव नहीं किया हुआ, ठीक है। अच्छा आप ये कह रहे हो कि पीछे जो हमने ये ड्राइव डेरिवेशन करी थी, अगर हम इस डेरिवेशन को बॉयस लॉ चार्ल्स लॉ से ले लेंगे तो दो दो लाइन की कहानी तीसरी लाइन में अपने आप डेरिवेशन आ जाएगी, वो करवा भी नहीं रहा आपसे। ध्यान से देखना जरा, पी वी इक्वस कॉन्स्टेंट और वी अपॉन टी इक्वस कॉन्स्टेंट, बॉयस लॉ चार्ल्स लॉ, ये बेचारे खुद क्या है, ये तो बेचारे खुद इसके बच्चे हैं है ना। ये जो बॉयस लॉ चार्ल्स लॉ है इनको हमने कहाँ से प्रूव किया था, इनको तो हमने प्रूव किया था, किससे प्रूव किया था, प्रेशर इक्वेशन से प्रूव किया था है ना। तो इससे यूज करके अगर हम ये वाली डेरिवेशन निकाल रहे हैं तो भी हम एक्चुअली प्रेशर इक्वेशन को ही यूज कर रहे हैं। हमने पहले प्रेशर इक्वेशन से ये दोनों बात प्रूव करी और फिर इन दोनों को यूज करके हमने क्या कर ली, इक्वेशन ले ली, कौन सी वाली इक्वेशन ले ली अपनी, गैस इक्वेशन बना दी। और उससे बेहतर ये नहीं है कि सीधे प्रेशर इक्वेशन से ही ये गैस करें, हमें बॉयल्स लॉ से चार्ल्स लॉ से हमें कोई मतलब ही नहीं, हमें पता ही नहीं क्या होते हैं बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ, हमें तो बस ये पता है, हमें तो प्रेशर इक्वेशन पता है, हमें पता ही नहीं बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ क्या होते हैं, हमें प्रेशर इक्वेशन पता है और सीधे उससे हम क्या निकाल देंगे। तो ये जो है यहाँ से जो इसको प्रूव करना है ये ज्यादा ऑथेंटिक है, ये ज्यादा ज्यादा अच्छा है, ज्यादा सही है, बशर्ते कि हम इन दोनों को यूज करें। इन दोनों को यूज करके तो तब हम निकालते इस इक्वेशन को जब हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं होता। हाँ वो केमिस्ट्री में जो आपने प्रूव करा है इन दोनों से लेकर ये वाला, वो ठीक है अपनी जगह, बढ़िया है, ओके है, ठीक है, लेकिन अब फिजिक्स में नहीं चलेगा वो हिसाब, समझिए बात, मैं तो भूल ही गया मैं क्या करवाने वाला था। हाँ वन डर वाल इक्वेशन, अब पी वी इजिकल्स टू म्यू आर टी, ये फॉलो करता है आइडियल गैस। अब आइडियल गैस तो है नहीं कोई भी, आइडियल गैस तो कोई है ही नहीं। अगर आप आइडियल गैस के लिए एक ग्राफ बनाओ, किसमें ग्राफ बनाओ, प्रेशर और प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट, मतलब अगर आपने ये पी प्रेशर था, पी प्रेशर किया, पी से प्रेशर को आपने कर दिया 2P, तो बता सकते हो पीवी में क्या चेंज आएगा, कुछ भी नहीं आने का, क्योंकि अगर आपने प्रेशर को 2P कर दिया तो वॉल्यूम अपने आप आधा हो जाएगा है ना, 2P into V/2, अब भी पीवी रहना, मतलब आपका प्रेशर चाहे कुछ भी क्यों ना हो, ये लाइन कैसी बनेगी, ये लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगी, पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस, प्रेशर एक्सिस के पैरेलल बनेगी लाइन, ये किसके लिए बनेगी, ये आइडियल गैस के लिए बनेगी, आइडियल गैस के लिए बन आइडियल गैस के लिए ऐसे बनेगी। लेकिन जो काफी हद तक आइडियल गैस के जैसी है हाइड्रोजन, उसका भी ग्राफ ऐसा है, वो भी फॉलो नहीं कर रही है, ये हाइड्रोजन के लिए। और जो जो आइडियल गैस से बिल्कुल ही हटी हुई है, मतलब ऑक्सीजन है और भी ज्यादा डेविएटेड है ये, इसका ग्राफ ऐसे आता ऑक्सीजन का, अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल ही नहीं मान रही इसकी बात, ये तो बिल्कुल ही मानने को तैयार नहीं है आइडियल गैस इक्वेशन को। तो अच्छा ये आइडियल गैस, आइडियल गैस को है ही नहीं हमारे पास, तो हमारे हाथ में क्या है,
हमें तो काम करना है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से काम करना है, हमें तो इनकी इक्वेशन चाहिए, हमें तो इनकी इक्वेशन चाहिए ताकि हम हाइड्रोजन, भाई हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को लेकर के आपने एक इंजन बनाना है, रॉकेट उड़ाने के लिए आपको क्रायोजेनिक इंजन बनाना है, तो पहले आपको हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी तो पता हो, हाइड्रोजन का बिहेवियर तो पता हो, और हाइड्रोजन जो है वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रही, तो फिर अब भाई इसकी इक्वेशन क्या करेंगे, वो इक्वेशन निकाली वंडरवाल ने। वंडरवाल ने कहा, अब ध्यान से देखना जरा, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, सिंपल सी चीज़ है, बिल्कुल बहुत सिंपल चीज़ है इसमें, लेकिन बीच में एक एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें कि ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहली बात मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ, पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन, है ना। तो वंडरवॉल ने क्या कहा कि भाई इसे रियल गैस फॉलो नहीं करेगी, और इसमें रियल गैस की कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है। गलती क्या है हमारी, कि हमने जब आइडियल गैस का कंसेप्ट लिया था तो आइडियल गैस में हमने ये मानकर चले थे कि आइडियल गैस में जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल है, ये क्या है, ये जीरो है, बिल्कुल खत्म। किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। लेकिन अगर हमारे पास एक रियल गैस है, चाहे वो हाइड्रोजन जैसी बारीक गैस हो, हाइड्रोजन बड़ी बारीक गैस होती है, बड़ी पतली गैस होती है, निकल के पार बाहर निकल जाती है, जरा सा रास्ता मिला चाहिए निकल के बाहर साफ एकदम, कि हाइड्रोजन जैसी बारीक गैस भी अगर है तो भी उसके मॉलिक्यूल्स का साइज जीरो तो नहीं होता, जीरो तो नहीं होता, कुछ ना कुछ क्या है साइज, फाइनाइट साइज है इसका, कुछ ना कुछ तो साइज होता ही है उसके मॉलिक्यूल का। अब हाइड्रोजन के ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये चारों तरफ यहां घूमे फिर रहे हैं, उन्होंने कहा वन डरवाल ने, देखो भाई इनका तो कुछ तो साइज है, इनका कुछ तो है साइज इनका, तो क्या करा उन्होंने के आप ये सोच लो कि सारे मॉलिक्यूल मैंने एक कोने में लाके यहाँ इकट्ठे कर दिया हाइड्रोजन के, जबरदस्ती ने पकड़ के बांध के बैठा दिया, बैठो यहीं, इधर उधर घूमते फिरते रहते हो, बैठो यहीं। अब ये जो पूरी गैस थी, इस पूरी गैस का वॉल्यूम है कितना वी, इस पूरी गैस का वॉल्यूम कितना वी। अब ये सारे मॉलिक्यूल जबरदस्ती यहां बिठा दिया इन्हें, पकड़ के बिठा दिया इन्हें सबको, अब इसे एक मॉलिक्यूल चल भी चल घूम का देखा क्या कोई और बाकी तो बचा नहीं है बाहर, कोई इधर उधर तो नहीं घूम रहा, बचा तो नहीं है यहाँ आने से, अब ये निकल के चला यहाँ से मॉलिक्यूल, तो ये इस मॉलिक्यूल के लिए कितना स्पेस अवेलेबल है, इस मॉलिक्यूल को चलने फिरने के लिए कितना स्पेस अवेलेबल है, इस पूरे वॉल्यूम में से उतना तो स्पेस इसको खत्म हो गया जितना वॉल्यूम पहले इन बैठे हुए मॉलिक्यूल्स ने घेर रखा है ना। इस एक मॉलिक्यूल को चलने फिरने के लिए गैस का पूरा वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है, इस पूरे वॉल्यूम से कुछ कम स्पेस अवेलेबल है इस वाले मॉलिक्यूल को, एक मॉलिक्यूल को, जबकि हम गैस में ले रहे हैं पूरा का पूरा वॉल्यूम, हम यहां तो वॉल्यूम कह रहे हैं पूरा का पूरा वॉल्यूम ले रहे हैं, अब कैसे हो जाएगा फॉलो फिर ये, जब हम ही गलत कर रहे हैं, हमें यहां वी तो लेना ही नहीं है, हमें यहां वी नहीं लेना है, हमें यहां लेना है एक्चुअली, हमें क्या लेना है, हमें यहां तो अवेलेबल वॉल्यूम लेना है जो वी है नहीं, ये कितना है, ये वी से कुछ कम है। अच्छा कितना कम है ये डिपेंड करेगा किस गैस के बात कर रहे हो आप, अगर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है तो बच्चे 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 से हैं छोटे छोटे से, वो तो भिज भिज गए बैठ जाएंगे एक साथ कम वॉल्यूम में। अगर आपने ले लिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के ले लिए, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल तो बहुत भारी है, कार्बन है तो उसमें ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं भारी भरकम बड़े बड़े, तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल अगर ले लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल तो यहां बैठने में ही इकट्ठे होने में बहुत सारी जगह घेर लेंगे। ले रहे हैं हम वी तो बात ही गलत कर रहे हो, तो अब वी नहीं लेना, हमें लेना एक्चुअली मॉलिक्यूल्स को घूमने के लिए जो वॉल्यूम अवेलेबल है वो है वी माइनस बी। अब ये बी क्या है भाई, कहने लगे ये वॉल्यूम है ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल इटसेल्फ, और ये बी यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट नहीं है, ये तो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गैस पर,
साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस पर डिपेंड करेगा कि आप किस गैस के साथ ये काम कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा। हाइड्रोजन के लिए बी की वैल्यू कुछ और होगी, ऑक्सीजन के लिए कुछ और होगी, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कुछ और होगी, अमोनिया के लिए कुछ और होगी, सबके लिए अलग अलग होगी। तो ये बात तो तय हो गई कि हमें V नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, V माइनस B लेना है। B इज ए कॉन्स्टेंट फॉर गिवन गैस, इट इज नॉट ए यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट। B क्या है, B इज ए कॉन्स्टेंट फॉर गिवन गैस। गिवन गैस के लिए है, हाइड्रोजन के लिए कुछ और होगा, ऑक्सीजन के लिए कुछ और होगा, अमोनिया के लिए कुछ और होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, जो गैस लोगे उसी के हिसाब से देखना पड़ेगा बी की वैल्यू। एक बात तो यह समस्या, एक तो ये समझ में आई बात, सबको समझ में आ गई, हाँ भाई हाँ तुम ठीक कह रहे हो। हाँ जी, एक समस्या तो यहाँ ये क्लियर हुई कि हम जहाँ वॉल्यूम वी ले रहे हैं वहाँ हमें वॉल्यूम वी नहीं लेना, वहाँ हमें कुछ कम वॉल्यूम लेना है, वी माइनस बी। ठीक है, एक और समस्या चल रही थी, एक और समस्या क्या थी, ध्यान से देखिए, हम दो डायग्राम बना रहेंगे और दो बार डिस्कस करेंगे। एक बार हम बात कर रहे हैं आइडियल गैस के लिए, ये आइडियल गैस इसके अंदर भरी हुई है और यहां ये आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। बहुत ध्यान से समझना देखो, क्योंकि मैं इसमें से एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं और वो मैं हर बार सबसे पूछता हूं और 90% उसका आंसर गलत देते हैं सब, तो इसलिए बहुत ध्यान से समझना। और एज यूजुअल पहले मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा, सब सवाल बाद में पूछूंगा, तो पहले ध्यान देना। ये आइडियल गैस है, आइडियल गैस में हमने क्या कहा था कि गैस का प्रेशर क्यों होता है, कि जब ये मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में है तो अपने रैंडम मोशन के दौरान ये मॉलिक्यूल टकराते हैं, दीवारों से टकराते हैं, ऐसा नहीं कि हेड ऑन कोलिजन करेंगे, थोड़ा तिरछे विरछे इधर उधर टकराते हैं। उस टकराने में क्या हुआ कि मॉलिक्यूल्स ने मोमेंटम ट्रांसफर किया वॉल को, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है फोर्स, फोर्स को हमने एरिया से डिवाइड कर दिया प्रेशर। ठीक है, बात समझ आ गई। लेकिन अगर ये आइडियल गैस है, ये आइडियल गैस है तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में बिल्कुल आइसोलेटेड होते हैं, बिल्कुल आइसोलेटेड होते हैं, मतलब आइसोलेटेड का मतलब इनके बीच में हेलो हाय भी नहीं है, नो इंट्रैक्शन, ना अट्रैक्शन है, ना रिपल्शन है, ना दोस्त है, ना दुश्मन है, कोई मतलब नहीं एक दूसरे से, आइसोलेटेड है पूरे। ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, ये दीवार से टकराने की तरफ जा रहा है, दीवार से टकराने के लिए जा रहा, भागा हुआ, टक्कर मार दूंगा तो तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, तो इसके पीछे के जो मॉलिक्यूल है, जा हमें क्या मतलब, इन सारे मॉलिक्यूल्स को कोई मतलब नहीं, कोई इंट्रैक्शन नहीं है, ये मॉलिक्यूल जा रहा दीवार की तरफ, जा रहा टकराने, जा मर, मतलब ये बाकी मॉलिक्यूल इसे देख भी नहीं रहे, ये क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, क्यों टकरा रहा है, किस मोमेंटम से टकरा रहा है, इन्हें कोई मतलब नहीं, नहीं दीवार में टकरा के लौट जाएगा, जो हमने प्रेशर में पढ़ा है पूरा, कि यहां से टकरा था, टकरा के लौट जाता है, फिर वापस जाएगा कहां जाएगा, रहेगा तो यहीं इसके अंदर ना, लेकिन उस टक्कर से क्या होता है, प्रेशर एग्जर्ट कर देता, वही प्रेशर की इक्वेशन हमने फाइंड करी थी 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर। जब आइडियल गैस का मॉलिक्यूल वॉल के कंटेनर की वॉल से टकराने की लिए तैयार है, टकराने के लिए जा रहा है, तो बाकी मॉलिक्यूल्स इसे नहीं रोक रहे, इन्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन रियल गैस में ऐसा नहीं होता, वान डर वाल ने कहा भाई रियल गैस में ऐसा नहीं होगा, रियल गैस में मॉलिक्यूल्स के बीच में हल्का फुल्का ही सही, लेकिन अट्रैक्शन है, मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, अट्रैक्शन है। ये कौन सी गैस है, ये रियल गैस है। अब रियल गैस का जब मॉलिक्यूल, रियल गैस का कोई मॉलिक्यूल दीवार से टकराने की तैयारी में होता है तो क्या है, तो क्या है, इसके पीछे के जो मॉलिक्यूल है इसे पकड़ के पीछे खींचते हैं, अबे कहां जा रहा, मर जाएगा, टकरा जाएगा, फूट जाएगा, टूट जाएगा, क्या कर रहा है, ये खींचते हैं इसे पीछे, मतलब क्यों खींचते हैं, क्योंकि इनके बीच में हल्का फुल्का ही सही, नहीं हेलो है तो है, अट्रैक्शन है, हल्का सा अट्रैक्शन है, उतना अट्रैक्शन नहीं है जितना लिक्विड मॉलिक्यूल्स में होता है, जितना गैस मॉलिक्यूल्स में होता है, लेकिन है तो सही, अट्रैक्शन तो है ना। तो इस अट्रैक्शन के कारण जो पीछे वाले मॉलिक्यूल्स हैं, इस
इसे खींच रहे हैं, लेकिन ये फिर भी कह रहा है ना मैं तो टकराऊंगा, छोड़ दो मुझे तो टकराना ही है आज, लेकिन ये रोक रहे हैं इसे। मगर इनके रोके से रुक नहीं रहे, फिर भी टकरा गया, रोके से रुक नहीं रहा। लेकिन अब एक बात तो जरूर है कि ये उतनी तकड़ी टक्कर नहीं मार सकता जितनी तकड़ी टक्कर मारी थी आइडियल गैस के मॉलिक्यूल ने, उतनी तकड़ी टक्कर तो नहीं मार सकता यार, क्योंकि पीछे वाले मॉलिक्यूल ने कुछ तो इसको रोका ही है, रुक नहीं पाया इनसे, ये कोई बात नहीं, लेकिन अब उतनी तकड़ी टक्कर नहीं मारेगा जितनी तकड़ी टक्कर ये तब मारता अगर ये मॉलिक्यूल होता आइडियल गैस का मॉलिक्यूल। अच्छा, टक्कर के कारण क्या चीज है? टक्कर के कारण है प्रेशर। अब ये जो प्रेशर है ये तो आइडियल गैस का प्रेशर है भाई, आइडियल गैस का वो प्रेशर है जिस प्रेशर को डालने में आइडियल गैस के मॉलिक्यूल पीछे से अट्रैक्ट हो ही नहीं रहे, वो प्रेशर ले रखा हमने यहां पर। लेकिन अगर हम इसकी जगह रियल प्रेशर, रियल गैस का प्रेशर रखने लगे तो भाई रियल गैस का प्रेशर उतना तो नहीं है जितना प्रेशर गैस का है, क्यों? अगर हम इसमें रियल गैस का प्रेशर रख दें, इस इक्वेशन में रियल गैस वाला प्रेशर रख दें, तो भैया ये तो कम प्रेशर रखा हमने, यहाँ तो आइडियल गैस का प्रेशर आना चाहिए था, आइडियल गैस के प्रेशर में तो ये मॉलिक्यूल पीछे से रोकने वाला था ही नहीं कोई, लेकिन अब तो पीछे रोकने वाला है, ये तो हल्का प्रेशर है, रख रहे हैं हम आइडियल गैस की जगह, रख रहे हैं हम आइडियल गैस की जगह जो कि आइडियल गैस से एक्चुअल में कम है, रख रहे हैं हम यहां पर। अगर ये आइडियल गैस का मॉलिक्यूल हो तो ज्यादा प्रेशर डलता, वो बात ठीक हो जाती फिर। तो उन्होंने कहा कि ये जो प्रेशर हम यहां रखते हैं इस फॉर्मूले में जो हम प्रेशर रखते हैं, ये जो प्रेशर है आइडियल गैस का तो प्रेशर हम पी लिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो रियल गैस का प्रेशर है वो उतने प्रेशर से ज्यादा है जितना प्रेशर हमें फील हो रहा है। अगर रियल गैस का प्रेशर पी है तो वही गैस अगर आइडियल गैस बन जाती तो ज्यादा प्रेशर होता, तो फिर तो हमें उसकी जगह पी प्लस पी रखना पड़ेगा, उसे थोड़ा सा बढ़ा कर रखना पड़ेगा। देखो मैं कैसा बेवकूफ बना रहा हूं और सब पागल हो रहे हैं। ध्यान से समझो, बहुत ध्यान समझना। वॉल्यूम कुछ मॉलिक्यूल्स ने घेर लिया तो हमें आइडियल गैस की वॉल्यूम की जगह रियल गैस का वॉल्यूम वी माइनस बी रखना पड़ेगा, बात समझ आ रही? अब यहां क्या हुआ, यहां भी तो प्रेशर कम कर दिया इन्होंने, तो फिर क्या रखना चाहिए यहाँ, क्या रखना चाहिए यहाँ, पी माइनस, हाँ, ठीक है करा, हाँ, मतलब मैंने ठीक लिखा, पी प्लस पी लिखना चाहिए, ये तो आपने कंफ्यूज कर दिया आज तो। एक बात सुनो, देखो यहाँ वॉल्यूम कम हो रहा है तो वी माइनस बी रखा हमने, यहाँ भी तो प्रेशर कम ही हो रहा है, तो क्यों, तो बचा हुआ प्रेशर ले लो इसमें भी, फिर इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, अब देखो जी एक त्यागी जी कर रहे हैं कंफ्यूज, अब बताओ भी कौन पी प्लस पी पर कौन एग्री है और कौन पी माइनस पी पर एग्री है, पी प्लस पी पर कौन एग्री है, इस पर कौन एग्री है, दो केवल, एक दो तीन चार, चार हुए। अच्छा पी माइनस पी पर कौन एग्री है, केवल है, केवल तीन, और बाकी किसी पर भी एग्री नहीं है। बैठिए भाई, और
यही एक्चुअली करेक्ट है पी प्लस पी, क्योंकि यहां जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, बिल्कुल त्यागी जी ने बिल्कुल सही वर्ड यूज करा कि जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो रियल रियल गैस में जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो पी ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन ये रियल गैस के लिए, ये क्या है रियल गैस के लिए, अगर हमने आइडियल गैस इक्वेशन में इसको रखना है तो उतना रखना पड़ेगा जितना ये तब एग्जर्ट करता जब बन जाता ये आइडियल गैस। जब ये आइडियल गैस बन जाता तो फिर ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करता ना, तो इसलिए हमें प्रेशर बढ़ा हुआ रखना पड़ेगा। ये जो आपने नापा है ये प्रेशर, ये किस किसका है, ये तो रियल गैस का प्रेशर है। अब रियल गैस के प्रेशर को अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन में रख दोगे तो मामला हो जाएगा गड़बड़, क्योंकि ये गैस रियल गैस का प्रेशर है। आइडियल गैस के इक्वेशन में अगर प्रेशर रखना है तो आइडियल गैस का ही प्रेशर रखना पड़ेगा ना यहाँ, क्योंकि इक्वेशन आइडियल गैस की इक्वेशन है। अब अगर आपकी ये रियल गैस आइडियल गैस बन जाए तो पीछे वाले मॉलिक्यूल इसे खींचना बंद कर देंगे, तब ये थोड़ा ज्यादा मोमेंटम लेकर टकराएगा वॉल्स के साथ, ज्यादा मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। तो इसका मतलब अगर रियल गैस आइडियल गैस बन जाए तो फिर इसका प्रेशर उससे तो ज्यादा आएगा जितना हमें दिख रहा है, जितना हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना। और जो रियल गैस का प्रेशर, ध्यान से समझना, आप देखो बहुत वर्ड्स को ध्यान से समझना, अगर ये रियल गैस क्या बन जाए, आइडियल गैस बन जाए, तो जितना प्रेशर हमने ऑब्जर्व करा था अब प्रेशर उससे ज्यादा आएगा, मोर देन पी आएगा अब प्रेशर, है ना। तो हमने रियल गैस की इक्वेशन में रियल गैस का ही तो प्रेशर रखना है, रियल गैस का प्रेशर क्या आएगा, मोर देन पी आएगा, तो फिर हमें यह मोर देन पी तो रखना पड़ेगा। समझ आएगी इतनी बात। और यहां हमने माइनस क्यों किया था, यहां भी अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने वॉल्यूम गैस का वो लेना है जो अवेलेबल है एक मॉलिक्यूल के लिए, कितना अवेलेबल है, वी माइनस बी अवेलेबल है। क्लियर हुई इतनी बात। अब ध्यान से देखें तो प्रेशर हमें जो रखना पड़ेगा पी नहीं रखना पड़ेगा, पी ना रखेंगे, अब हम क्या रखेंगे, पी प्लस स्मॉल पी रखेंगे। ये पी क्या चीज है, ये वो प्रेशर है जो एक्स्ट्रा बढ़ जाता अगर रियल गैस बन जाती आइडियल गैस। क्लियर हुई इतनी बात। अब थोड़ी सी जरा ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से समझना। अब टाइम आउट होने वाला है वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा 10 मिनट में लिपट जाए पूरा। ये एक गैस है, ठीक है, एक गैस कंटेनर के अंदर गैस है ये। अब ध्यान से देखना, इसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स हैं। एक गैस है जिसके मॉलिक्यूल जो है वो इस गैस में सपोज 1000 मॉलिक्यूल है, ठीक है। दूसरी गैस मैंने और ले ली, उतने ही कंटेनर में यहां मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं। यहां कितने मॉलिक्यूल हैं, यहां 10,000 मॉलिक्यूल हैं। यहां कितने मॉलिक्यूल हैं, यहां 10,000 मॉलिक्यूल हैं, करेक्ट। अब ध्यान से समझना, ये जो है ये प्रेशर एटमॉस कर रही है क्रिएट पी, अगर ये आइडियल गैस बन जाए तो इसका प्रेशर पी प्लस पी हो जाएगा, ठीक है। 1000 मॉलिक्यूल हैं जो दीवारों से टकरा रहे हैं, ये भी गैस एग्जर्ट कर रही प्रेशर पी, अगर ये रियल गैस बन जाए तो आप मुझे बताना यहां मुझे इस पी से लार्जर रखना पड़ेगा या पी ही रखूं या कम रखूं, ज्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि यहां मॉलिक्यूल ज्यादा है, ये ज्यादा मॉलिक्यूल है, ज्यादा बार टकरा रहे हैं ये, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि अब जो प्रेशर बढ़ना होगा वो ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ दूसरी तरीके से समझ लो कि यहाँ कम मॉलिक्यूल है तो इस मॉलिक्यूल को पीछे खींचने वाले कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, यहाँ मॉलिक्यूल ज्यादा है तो इनके पीछे खींचने वाले ज्यादा मॉलिक्यूल है, और ये मॉलिक्यूल का जब अट्रैक्शन हटेगा तो काफी ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। इसका मतलब ये जो प्रेई है जो हमने बढ़ाना है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अच्छा, ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक बात और ध्यान से देखो, ये मॉलिक्यूल है, अगर ये कम है तो कम टक्कर लगाएंगे,
अगर ज्यादा है तो ज्यादा टक्कर लगाएंगे, जब ज्यादा टक्कर लगाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर का इंक्रीज भी ज्यादा होगा। तो ये पी एक और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड, पर सेकेंड लगने वाली कोलिजन। अब ध्यान से देखना, ये दोनों ही बातें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, जितना कम वॉल्यूम कर लोगे उतनी ज्यादा घने मॉलिक्यूल हो जाएंगे इसके अंदर। इसी इसी गैस को घटा करके आप छोटे बर्तन में ले जाओ, छोटे वैसल में ले जाओ, तो अब मॉलिक्यूल्स घने घने नहीं हो जाएंगे, तो जब घने हो जाएंगे तो और पास आ जाएंगे, और ज्यादा अट्रैक्शन होगा, तो फिर डिक्रीज काफी ज्यादा हो गया। मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और साथ में नंबर ऑफ कोलिजन भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो जो ये प्रेशर है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम स्क्वायर, दो बार वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया है। प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए क्या लगाओगे, आप एक कांस्टेंट लगा दोगे ए। फिर वही बात कि ए की वैल्यू डिपेंड करेगी किस पर, डिपेंड करेगी गैस पर, डिपेंड करेगी। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में अट्रैक्शन काफी कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं इनके बीच में अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ए की वैल्यू कुछ और होगी, बी की वैल्यू कुछ और होगी। तो अब हमने क्या करना है, इक्वेशन में पी नहीं लिखना, क्या लिखना है, पी प्लस ए बाय वी स्क्वायर लिखना है, जहां एक ए कांस्टेंट है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गैस। हाँ बोलो, कम हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो अपना बढ़ जाएंगे ना। आप समझो, मैं इसी इसी जगह को घटा करके इतनी कर देता हूं बस, तो ये सारे मॉलिक्यूल जब यहां आएंगे तो नंबर ऑफ वॉल्यूम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो गए भाई, यही सारे वॉल्यूम मॉलिक्यूल मैंने इतनी कम जगह में इकट्ठे कर दिए, तो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो गए ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, तो इनके बीच अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, इनके बीच कोलिजन भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब आपकी इक्वेशन क्या बनी, अब आपकी इक्वेशन बनी जो इक्वेशन थी पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी, किसके लिए थी ये, रियल गैस के लिए थी। अब प्रैक्टिकल गैस, वो सॉरी आइडियल गैस के लिए थी ये। अब रियल गैस के लिए यही इक्वेशन पी की जगह रखना पड़ेगा पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, और वी की जगह रखना पड़ेगा वी माइनस बी इज इक्वल टू म्यू आर टी। टेम्परेचर का तो कोई रोल ही नहीं है, टेम्परेचर तो सबके लिए एक जैसा है, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल डिपेंड करती नहीं है, मास ऑफ मॉलिक्यूल या सब पर टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता। अब ये जो इक्वेशन बनी है ये रियल गैस के लिए इक्वेशन आपकी बन गई, इसे रियल गैस ओबे करती है। बस डिफरेंस क्या है यहाँ पर, अगर आप हाइड्रोजन के लिए यूज कर रहे हो तो ए और बी आपको हाइड्रोजन के लिए ही सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे, अगर आप इस इक्वेशन को ऑक्सीजन के लिए कर रहे हो तो फिर ऑक्सीजन वाले ए और बी सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर आप हीलियम यूज कर रहे हो, हीलियम है और हीलियम आपने ले ली बहुत हाई टेम्परेचर पर, लो प्रेशर पर, तो ए और बी की वैल्यू नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाएंगी। जब ये नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाएगा तो फिर क्या होगा, वो गैस रियल गैस के जैसा बिहेव करने लगेगी। आप ये भी कह सकते हो कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जैसी कुछ गैसेस के लिए ए और बी की वैल्यू नेग्लिजिबली स्मॉल होती है, इसलिए वो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पर पहुंचकर रियल गैस की तरह बिहेव करने लगते हैं। लेकिन ये जो इक्वेशन आ रही है ये हाई टेम्परेचर लो प्रेशर के लिए नहीं है, ये तो हर टेम्परेचर हर प्रेशर के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। मगर बस इतनी बात है, ये तो यूनिवर्सल गैस इक्वेशन है, इट इज नॉट ए यूनिवर्सल गैस इक्वेशन, ये यूनिवर्सल नहीं है, सब गैस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। हाइड्रोजन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ए और बी की वैल्यू हाइड्रोजन वाली निकालो गिवन टेम्परेचर पर। एक बात और ध्यान रखना, ए और बी की वैल्यू डिपेंड करती है किस पर, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करती है और टेम्परेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करती है। हाइड्रोजन के लिए अगर ठंडी हाइड्रोजन है तो ए और बी की वैल्यू कुछ और होगी, और वही गर्म हाइड्रोजन है तो ए और बी की वैल्यू कुछ और होगी। बिल्कुल दी रखी होगी, कोई टेंशन की बात नहीं है इसके अंदर, कोई चिंता की बात नहीं, डिपेंड करती है सब, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है ना, तो फिर सब कुछ चेंज हो जाता है। अल्टीमेटली तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल है, सब कुछ चेंज कर देता है, फिर भी डिपेंड होते हैं ये सारी चीजें। फिर वही बात है कि इस लेवल पर आपको नहीं पढ़ाई जा सकती है, जब आप आगे पढ़ेंगे, पीएचडी वीएचडी करेंगे इसी फील्ड में, तब आपको
और तब आपको कई सारी बातें ऐसे लगेंगी, यार राजेश ने बहुत बड़ा बेवकूफ बना दिया उस दिन, ये तो वास्तव में कुछ और होता है। लेकिन तो ये आपकी बनी वंडरवॉल इक्वेशन, विच इज फेयरली एप्लीकेबल फॉर ऑलमोस्ट ऑल द रियल गैसेस एट ऑलमोस्ट ऑल द टेम्परेचर एंड प्रेशर। बस डिपेंड क्या करता है कि ए और बी की वैल्यू आपको बदलनी पड़ेगी डिफरेंट गैसेस के लिए और डिफरेंट टेम्परेचर के लिए। क्लियर हो गया इतनी बात? पक्का?